दोस्तों यदि आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। दोस्तों मैं इस वीडियो को लेकर एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, यानी कि ऐसी ट्रिक बता दिखाने वाला हूँ जो कि मोबाइल्स में एक्टिव करते ही, इस एक्टिव करने से आपको एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, ये कौन सी ट्रिक है जो हमारा फ़ोन दिखाई दे रहा है उसके नीचे ही आपको शो कर रहा है रॉयल नाथ गुरु। देखो दोस्तों, ये नेम जो स्लाइड शो हो रहा है, यानी कि वो किस प्रकार, ये परमानेंटली है दोस्तों। यदि आप फ़ोन कर लो या यूट्यूब चला लो या व्हाट्सएप चला लो, ये परमानेंट ही हमारी जो फ़ोन की होम स्क्रीन है इस पर एडिटिंग हो रहा है। बहुत ही सुंदर ये दृश्य है दोस्तों, एडिटिंग बहुत ही अच्छी एडिटिंग है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो चलते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों हमें सर्च करना है स्मार्ट न्यू बार्स, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस पर क्लिक कर लेना है, जो मैंने पहले से ही जो ये इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, ओपन पर क्लिक कर लेना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, यदि आपके फ़ोन में इसको ऑफ है तो इसको क्या करना है दोस्तों, ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों इसको सिक्योन्स पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना है, नव बार टेक्स्ट स्लाइड शो, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस सामने आया दोस्तों, जो ये आपके फ़ोन में स्मार्ट न्यू बार फ्री, इस पर ओपन ऑफ है तो हमको क्या करना है, ऑन कर लेना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें नीचे आ जाना है और हमें दिखाई देना है ऑन ऑफ, लेकिन यदि ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों क्या करना है, टेक्स्ट नोट पे क्लिक करना है और इसमें जो भी हमारा नंबर है या मतलब चैनल का नाम है या कोई किसी प्रकार का आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें लिख कर ऐड कर सकते हैं और बाद में ऐड पर क्लिक करना कर लेना है दोस्तों। और हमें क्या करना है दोस्तों, पीछे आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों हमें एक इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाता है और हमें शो कर रहा है एनिमेशन, एनिमेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही एनिमेशन पर क्लिक करते हैं तो हमें यह शो करता है कि इसको किस प्रकार से एडिटिंग करें, यानी कि इसमें मालूम नहीं है दोस्तों। इसमें करते ही जैसे कि यह आगे पीछे होगा और यह इस प्रकार से हम किस प्रकार से एडिट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पीछे आ जाना है और एनिमेशन स्पीड, इसको स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं दोस्तों। स्लाइड डायरेक्शन, यानी कि इसको किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, इसकी साइज भी सेट कर सकते हैं और ये विभिन्न प्रकार के फीचर्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से उसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू।